हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? और मैं आपका एजुकेटर अभिजीत मिश्रा आपके साथ। तो गाइस, शुरू करते हैं आज का अपना करंट अफेयर्स 22 अगस्त। बहुत लोग यहाँ पे आ चुके हैं, सबको गुड मॉर्निंग, सबको गुड मॉर्निंग। चलिए शुरुआत करते हैं, है ना। तो अनअकैडमी स्टूडियो वॉल्ज पे आपका मोस्ट वेलकम है, जो खास तौर से आपके लिए बनाया गया है। अगर आप हमारे फैकल्टीज़ के, हमारे एजुकेटर्स की प्रोफाइल देखिए और साथ ही साथ कंटेंट देखिए, तो मैं प्राउड से कह सकता हूँ कि ये पूरे YouTube का बेस्ट चैनल है। अगर आपको स्पेसिफिक एग्जाम की प्रिपरेशन करनी, यकीन ना है तो आप क्लासेस देखिए सबकी, है ना। चलिए शुरू करते हैं आज का अपना सेशन। हाँ, आपके लिए इन्फॉर्मेशन है, हमारे Unacademy Plus प्लेटफॉर्म पे मेरी आज फिर से 3 o'clock पे क्लास है। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस ऑन बैंकिंग अवेयरनेस एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस, 3 o'clock। अगर आपको उसका लिंक नहीं मिलेगा तो अभी ग्रुप पर उसका लिंक मिल जाएगा, आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो 3 o'clock पे मैं आपका वेट करूंगा, वहां पर भी मजा आएगा। मजा आता है आपको ये पता है, आइए, बहुत मजा आने वाला है, ठीक है। तो मोस्ट वेलकम है हमारे अपने शो में, दुनिया के बेस्ट करंट अफेयर शो में। स्टूडियो वॉल्स प्रेजेंट करता है डेली करंट अफेयर्स 22 अगस्त। आइए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आपसे। मेरे बारे में तो आपको पता है, अभी राइट नाउ मेरा 9 to 10 AM की क्लास चल रही है करंट अफेयर्स की, और 10 to 11 जो मेरी क्लास होगी वो होगी मई मंथ के 100 questions की। यकीन, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि अगर आप आगे एग्जाम देने जाएंगे और इससे क्वेश्चन ना आए तो आप कहिएगा, बहुत विचार से, बहुत तलाश से आपको ये कंटेंट दिया जा रहा है। तो जरूर देखिएगा, अगर अभी आपको टाइम नहीं मिलता है तो बाद में देखिएगा, मैं आपको बता रहा हूं। बाद में ये मत कहना कि सर हाँ ये मैं देखा होता तो अच्छा होता। चलिए रीस्टेंशल, हाँ टाइम चेंज होगा, होगा सब होगा, दुनिया में सब कुछ चेंज होता है, चेंजिंग इज द लॉ ऑफ नेचर, है ना। मेरा पेड बैच भी चल रहा है Unacademy Plus प्लेटफॉर्म पे, बैंक हाई लेवल ऑफ बैंकिंग अवेयरनेस एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस, आप तो जानते ही हैं। आइए, अच्छा देखिए, Unacademy Plus प्लेटफॉर्म की बात कर रहे हैं तो दुनिया का बेस्ट प्लेटफॉर्म है ये, क्योंकि दुनिया के बेस्ट एजुकेटर्स यहाँ पे पढ़ा रहे हैं। आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल लाइक UPSC, लाइक SSC, रेलवे, बैंकिंग, कोई भी एग्जाम। अच्छा, अब ये फीस हम क्यों पे करें, Unacademy Plus प्लेटफॉर्म को हम क्यों ज्वाइन करें? तो सिंपल सा लॉजिक है यार, आपको फीस एक बार पे करनी होती है और आपको जिस कोर्स के लिए आप फीस पे कर रहे हो उसमें कम से कम मिनिमम हर सब्जेक्ट के कम से कम आपको 10 faculties मिलते हैं। अगर आपके पास टाइम की प्रॉब्लम है, आपको किसी का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पा रहा है, आपको नोट्स चाहिए, PDF चाहिए, सब कुछ मिलता है यहां पर। एक बार फीस पे करनी है, हमारे पास 6 month 1 year का सब्सक्रिप्शन मॉडल है। अगर आप इसमें पे करते हैं, फॉर एग्जांपल 1 year की बात करते हैं, 5,000 रुपए। लेकिन आपको इस कोड को ध्यान देना, AM लाइव कोड अगर आप फॉलो करेंगे तो ये आपको डिस्काउंट दिलाएगा और आपकी फीस 4,500 हो जाएगी। आपका भी फायदा, मेरा भी फायदा। अगर आप कोर्स ज्वाइन कर चुके हैं तो कोई बात नहीं है, आप किसी और को रिकमेंड कर सकते हैं। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो बेशक ज्वाइन करिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपने 2 year का। तो 2 year मॉडल भी हमारे पास है जिसकी फीस 8,000 rupees है, बट इस कोड के थ्रू अगर आप एडमिशन लेते हैं तो आपकी फीस पड़ती है 7,200, ठीक है। आइए आगे बढ़ेंगे गाइस और अब बात करेंगे आपसे 22 अगस्त करंट अफेयर्स की, और स्टार्टिंग की करेंगे हमेशा की तरह अपने मोटिवेशनल कोट की। और मोटिवेशनल कोट में आज हम अल्बर्ट आइंस्टीन को लेकर आए हैं, मतलब उनके विचारों को लेकर आए हैं। अगर आपको दिख नहीं रहा है कोई बात नहीं, मैं हूं ना बताने के लिए। देखिए, अ पर्सन हु नेवर मेड अ मिस्टेक नेवर ट्राइड एनीथिंग न्यू, अल्बर्ट आइंस्टीन ने बोला है। अगर आप मिस्टेक नहीं करते हो, कोई मिस्टेक नहीं करते, इसका मतलब कुछ सीख ही नहीं रहो, इसका मतलब आप कुछ सीख ही नहीं रहो। क्योंकि यार सीखने में मिस्टेक तो होगी होगी, सीखने में मिस्टेक तो होगी होगी। आप सफल नहीं हो पाएंगे एक बार में, दो बार में, तीन बार में, लेकिन आप यह समझ जाएंगे कि हाँ इतनी इस तरह से यह काम नहीं हो सकता, काम चेंज करना पड़ेगा, तरीका चेंज करना पड़ेगा। तो मिस्टेक सबसे होती है, प्रॉब्लम सबके साथ है। और मतलब देखो, एक बात मैं तुम लोगों को समझाऊं, जो तुम लोगों को समझना चाहिए, इस दुनिया में कोई भी ब्रिलियंट नहीं होता है। मैं आज तक किसी ऐसे बच्चे से नहीं मिला हूं कि मैं उसको अगर DI का बिल्कुल नया क्वेश्चन दे दूं और वो एक बार में सॉल्व कर दे, नहीं होता है यार, कोई ब्रिलियंट थोड़ी ना होता है। हाँ, वो कितनी मेहनत कर रहा है उसके पीछे, वो कितनी रातें जाग रहा है, उसके अंदर डिटर्मिनेशन कितना है, ये चीज। अच्छा, तुम लोग को एक कॉन्सेप्ट समझाता हूं। देखो, मैथमेटिक्स के बारे में बात कर लें तो अगर क्वेश्चन हम करते हैं ना, एक बार एक काम करना, मैथमेटिक्स सॉल्व करते टाइम पे ना अपने माइंड को हम जानबूझ के रोकते हैं। मेरी बात तुम लोगों को समझ में आएगी जब, तो मैं एक लाइन बोल रहा हूं कि अपने माइंड को हम जानबूझ के रोकते हैं कैलकुलेशन में। समझ जाओगे ये बात, समझ जाओगे। बस एक काम करना, अब जब मैथमेटिक्स सॉल्व करना तो अपने माइंड को फ्रीली छोड़ देना, कोशिश करना कि माइंड में ही कैलकुलेशन करो, पूरी कहानी बैठाओ कि हाँ ये ऐसे हुआ, ये प्लस होगा, ये देखना, बहुत जल्दी तुम लोगों की मैथ अच्छी हो जाएगी। ये मेरा अपना खुद का ट्रायल है, ठीक है। चलिए फिलहाल तो हमने मोटिवेशनल कोट की बात कर ली, आई होप कि आपको मेरी बात समझ में आएगी। और अपने न्यूज की बात करें तो हम लोग
समिट इवेंट और मीटिंग से शुरुआत करेंगे। समिट इवेंट और मीटिंग में हम कौन सी मीटिंग आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं, आइए देखिए। तो हम बात करेंगे इंडिया केन्या ज्वाइंट ट्रेड कमीशन की, इंडिया केन्या ज्वाइंट ट्रेड कमीशन। और यह कमीशन कौन सा था, देखिए 9th सेशन। तो नौवा सेशन इंडिया केन्या ज्वाइंट ट्रेड कमीशन, ये कहां पर हुआ आपको सारी बातें बताएंगे, लेकिन 9th सेशन है, ये आपको लर्न करना है। आइए तो टेबुलर फॉर्म में आपको हम दिखाते हैं, देखिए यहां पर। तो ये रहा पूरा एक टेबुलर फॉर्म में पूरी इंफॉर्मेशन एक साथ। तो इस इवेंट का नाम क्या था, इसका नाम क्या था, इंडिया केन्या ज्वाइंट ट्रेड कमेटी, ठीक। एडिशन कौन सा था, 9th सेशन था। यह कहां पर हुआ, दिल्ली में। ये आपसे सबसे इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कहां पर हुआ भाई, न्यू दिल्ली में हुआ। इंडियन डेलीगेशन को लीड क्यों, कौन कर रहा था, क्योंकि भाई बात हो रही है ट्रेड की, बिजनेस की, और हमारे देश के कॉमर्स मिनिस्टर कौन है, मिस्टर पीयूष गोयल जी, है ना। और केन्या की तरफ से केन्या डेलीगेशन को लीड किसने किया, वहां के कॉमर्स मिनिस्टर ने, नाम क्या है, पीटर मुनिया, पीयूष गोयल। हाँ, एक इंफॉर्मेशन और, इस बार का जो 9th सेशन हुआ कहां पर हुआ, दिल्ली में। अगला सेशन कहां पर होने वाला है, 10th सेशन, तो नैरोबी केन्या में होने वाला है। आपको पता है कि नैरोबी केन्या की कैपिटल है। अच्छा जरा मुझे बताइए कि यूएन का कौन सा इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेडक्वार्टर केन्या में, यूएन का कौन सा इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेडक्वार्टर केन्या में है, बताइएगा, ठीक है। तो ये बात हो गई हमारी सारी बात, बिल्कुल टेबुलर फॉर्म में सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके सामने हैं, कुछ भी आपको यहां वहां नहीं आना है, और मुझे आंसर दीजिए मेरे क्वेश्चन का। आइए आगे बढ़ते हैं, अबाउट केन्या की बात कर लेते हैं। केन्या यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम, जी हाँ बिल्कुल सही इंफॉर्मेशन, जिसका हेडक्वार्टर नैरोबी केन्या में, आपके एग्जाम में पूछा भी गया, याद कर लीजिएगा। चलिए आगे, तो यहां पे पीयूष गोयल, पीटर मुनिया, ये वही इंफॉर्मेशन है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं, अब स्टैटिक फैक्ट अबाउट केन्या, केन्या के कुछ स्टैटिक फैक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन तो बनता है ना भाई। देखिए तो केन्या का फुल नाम क्या है, फुल नेम क्या है, रिपब्लिक ऑफ केन्या, ठीक। द कंट्री वॉज नेम्ड आफ्टर माउंट केन्या, माउंट केन्या के नाम पर केन्या का नाम पड़ा है, और माउंट केन्या पूरे अफ्रीका का दूसरे नंबर का सबसे ऊंचा पर्वत है, ऊंचा माउंटेन है, यह भी याद कर लीजिएगा, पूरे अफ्रीका का दूसरे नंबर का, ठीक। लेक तुरकाना नेशनल पार्क एंड माउंट केन्या नेशनल पार्क, ये दोनों यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आते हैं, ये तो मैंने एग्जाम में देखा भी है, ये कहां पर है, किस देश में है। तो अगर आप एसएससी, रेलवे, यूपीएससी या फिर स्टेट लेवल एग्जाम की बात करते हैं तो वर्ल्ड ज्योग्राफी में ये सब क्वेश्चन आते हैं, नोट कर लीजिएगा, ठीक। चलिए, केन्या इज द 49th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, 49वें नंबर की सबसे बड़ी कंट्री अगर हम एरिया वाइज बात करें, तो यह भी इंफॉर्मेशन हमने आपको दे दी। चलिए आगे बढ़ते हैं, केन्या जो है 5 कंट्री के साथ अपनी बॉर्डर शेयर करता है, वो 5 कंट्री कौन है, इथोपिया, सोमालिया, साउथ सूडान, तंजानिया एंड युगांडा। अब जरा सोचो माइंड में कि क्या तुम लोग को इस पांचों देश की कैपिटल करेंसी लर्न है, सोचो क्या इन पांचों देश की कैपिटल करेंसी लर्न है। अगर लर्न है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं लर्न है तो इसको आपको आज अभी खत्म करना है, इन पांचों देश की कैपिटल और करेंसी को, यह आपका टारगेट होना चाहिए, ठीक है। केन्या की जो कोस्टल लाइन है 536 किलोमीटर है, 536 किलोमीटर कोस्टल लाइन की है, ठीक है। अच्छा, केन्या इज होम टू बिग लेक तुरकाना एंड लेक विक्टोरिया, ये भी देख लीजिए, वर्ल्ड ज्योग्राफी का ये बहुत इंपॉर्टेंट सारे पॉइंट हैं, स्टडिक पॉइंट हैं। अफ्रीका एक ऐसा सेक्शन है जो वर्ल्ड ज्योग्राफी में सबसे ज्यादा क्वेश्चन लेकर आता है, यकीन ना आए तो आप किसी भी यूपीएससी के एग्जाम में या फिर एसएससी के एग्जाम में देख लीजिएगा, अफ्रीका सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। माउंट केन्या इज द सेकेंड हाइएस्ट, जो मैं आपसे बोल रहा था वो आपको मालूम चल गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या हो गया भाई, किसे इग्नोर कर रहे हो, चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस, और बात करते हैं रिवीजन ऑफ समिट। तो अभी रिसेंट में कुछ समिट्स हुए, आइए तुरंत उसका रिवीजन कर लेते हैं, फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। एचआरडी मिनिस्टर इनॉग्रेट टेक्नोलॉजी एक्सपो एट आईआईटी दिल्ली, तो एचआरडी मिनिस्टर कौन है ये तो मालूम है आपको, टेक्नोलॉजी एक्सपो कहां पर हुआ था, आईआईटी दिल्ली मतलब दिल्ली में हुआ था, ठीक है। दूसरा, उदयपुर टू होस्ट इंडिया लार्जेस्ट एजुकेशन बेनस्टॉन, ये भी आपको पढ़ा गया, ये भी आपको लर्न है, ठीक। थर्ड इंटरनेशनल इलेक्ट्रिक व्हीकल कॉन्क्लेव हिल्स इन मनेसर, ये भी आपको पढ़ाया गया है ना। और देखिए हमारे देश के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर जी कहां पर गए थे, ये 10th मेकोंग गंगा कॉरपोरेशन बैंकॉक में हुआ था, वहां पर गए थे, ये भी आपको पढ़ाया गया, ठीक है। ये सब रिवीजन करने के लिए है, 10th मेकोंग गंगा कॉरपोरेशन ये ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, नॉन अलाइन मूवमेंट, इसका वेनेजुएला में मीटिंग हुआ था, पढ़ाया गया था आपको ये भी।
फिफ्थ धर्म धम्म सम्मेलन कहां पर हुआ था? राजगीर बिहार में हुआ था, यह भी आपको पढ़ा गया था। किरण रिजिजू ने इसका इनॉग्रेशन किया था, याद करिए। लखनऊ डिफेंस एक्सपो 2020 होस्ट करेगा, यह भी आपको पढ़ा गया है। एंड फिफ्थ इंटरनेशनल पुलिस एक्सपो कहां पर हुआ? प्रगति मैदान न्यू दिल्ली। कौन सा एडिशन? फिफ्थ। ये सब न्यूज आपको पढ़ाई गई है, बढ़िया रिविजन के लिए आपके पॉइंट है। मजा आए तो लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस, और अब बात करते हैं आपसे अपने नेक्स्ट न्यूज की, जो कि कमेटी पर है। तो कमेटी पर आपको हम कौन सी न्यूज देने वाले हैं? कमेटी एक ऐसा सेक्शन है जो काफी एग्जाम में आता है और ये हमें याद नहीं रहता है, तो मैं आपको कमेटी तो पढ़ाऊंगा, और मई से लेकर जुलाई तक के जो भी कमेटी आए हैं उसका एक क्विक रिविजन भी करवाऊंगा। देखिए, एक बहुत बड़ा चेंज हमारे देश में होने वाला है 2017 में। एक बार नरेंद्र मोदी जी ने एक बार इनकम टैक्स मतलब सीबीडीटी की एक मीटिंग ली थी, उसमें नरेंद्र मोदी जी ने बोला था कि जो हमारा इनकम टैक्स का कानून है वो 50 साल पुराना कानून है। चीजें चेंज होती हैं, तरीके चेंज होते हैं, लेकिन हमारे देश में टैक्स का सिस्टम चेंज नहीं हो रहा। तो अभी इनकम टैक्स के रूल को पूरी तरह से चेंज कर दिया जाएगा, और किस में चेंज किया जाएगा, उसका नाम क्या होगा? उसका नाम है डायरेक्ट टैक्स कोड, डीटीसी, डायरेक्ट टैक्स कोड। तो और ये 2021-22 के आपको बजट में मिल भी जाएगा। मेरे ख्याल से अगर सब कुछ ठीक रहा तो 2022 से ये इंप्लीमेंट इंडिया में हो जाएगा। मैं पूरी इंफॉर्मेशन आपको दूंगा, ये बहुत बड़ी न्यूज है कि इनकम टैक्स एक्ट को गवर्नमेंट चेंज कर रही है। चेंज क्या कर रही है? देखो, अभी रिपोर्ट सबमिट हुई है, उसमें क्या क्या बातें हैं, मैंने अब रिपोर्ट तो मैंने पढ़ी नहीं है। हाँ, उसके कुछ की पॉइंट थे पीआईबी पे मैंने देखा, तो उसमें ऐसे डिविडेंड हो गया, इंटरेस्ट हो गया, ग्रेच्युटी हो गई, उस पर भी टैक्स देते हैं आप लोग। मतलब समझो कि हमारे देश में सिस्टम क्या है, हम पैसे कमाते हैं तो हम इनकम टैक्स देते हैं, है ना, और उसी पैसे को हम खर्च करते हैं तब भी हम टैक्स पे करते हैं। उसके अलावा हमारे जो अलग अलग सोर्सेज हैं वहां भी हमको टैक्स देना पड़ता है। तो इसको चेंज किया जाएगा। अब जब रिपोर्ट पूरी तरह से पब्लिश होगी तो आपको और भी इंफॉर्मेशन दी जाएगी क्या क्या चेंजेस हुए। देखिए, तो नेम ऑफ द टास्क फोर्स एंड हेड, तो ये जो टास्क फोर्स बनाया गया था, जो कमेटी बनाई गई थी, पैनल बनाया गया था, उसका नाम क्या था? एक्सपर्ट पैनल। इसको हेड कौन कर रहा था? इसको हेड कर रहे थे लीडेड बाय सीबीडीटी लेजिस्लेटिव मेंबर अखिलेश रंजन। तो अब ये अखिलेश रंजन का नाम तो काफी इंपॉर्टेंट हो गया, अखिलेश रंजन, ठीक। तो नेम ऑफ द टास्क फोर्स एंड हेड, तो टास्क फोर्स का नाम क्या था? एक्सपर्ट पैनल, और इसे हेड कौन कर रहे थे? अखिलेश रंजन। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? देखो, टू रिप्लेस द इनकम टैक्स एक्ट विथ अ न्यू डायरेक्ट टैक्स कोड। डायरेक्ट टैक्स कोड से इसको रिप्लेस कर दिया जाएगा। ये बहुत बड़ी न्यूज है और आप डेफिनेटली आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। अखिलेश रंजन का नाम याद कर लीजिएगा, डायरेक्ट टैक्स कोड का नाम याद कर लीजिएगा, इतना चीज आपको याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इस टास्क फोर्स में कितने मेंबर थे? 5 मेंबर्स थे, ये भी पूछा जाता है, आपको बताइए, ठीक। और प्लेस्ड इन पार्लियामेंट, ये पार्लियामेंट में कब आएगा? 2021 के यूनियन बजट में ये आ सकता है, अभी ये आ सकता है, मे बी मेरी बात सच हो जाए। कहते नहीं कभी कभी पूरे दिन भर में एक बार सरस्वती माता जी हमारे जबान पर आती है, मे बी मेरी बात सच हो जाए। सरकारी काम में आपको पता है इस पैनल को 2019 फरवरी में ही अपनी रिपोर्ट सबमिट करनी थी, लेकिन लेट हुआ ना, तो लेट इसमें भी हो सकता है, बट अभी जो डेटा है गवर्नमेंट का वो ये, तो वो आपके सामने हमने इंफॉर्मेशन दे दी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और आपको अब सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन। 1944 में इसे फाउंड किया गया, हेडक्वार्टर नॉर्थ ब्लॉक। एक बात याद रखना, कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि हमारे देश के फाइनेंस मिनिस्टर का ऑफिस कहां पर है? नॉर्थ ब्लॉक, दिल्ली। ये भी याद रखिए, ठीक है। चलिए, चेयरमैन कौन है? तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स के चेयरमैन प्रमोद चंद्र मोदी हैं। प्रमोद चंद्र मोदी, पीसी मोदी, कभी कभी शॉर्ट में पीसी मोदी लिखा होता है तो कंफ्यूज मत होइएगा। और ये जो सीबीडीटी है वो किसके अंडर में आता है? ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में आता है। तो यानी कौन सा मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, निर्मला सीतारमन जी, ठीक है। तो ये रिस्पॉन्सिबल है, मतलब ये ऊपर है इसके, ठीक है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन हमने आपको दे दी है, आई थिंक आपको याद हो जाएगा। रिस्ट वंशुल बोल रहे हैं कि लोगों की जॉब तो जा रही है, बेटा देखो मेरी बात समझो, मैं क्यों कह रहा, मैं हम लोग क्यों आपको पढ़ाते हैं, क्यों कहते हैं। देखिए, पूरे विश्व में मंदी है, और मैं ये आज से नहीं बोल रहा हूं, अगर आप मेरे पिछले 1-1.5 साल से वीडियो फॉलो कर रहे होंगे तो मैं बोल रहा था ये मंदी दिख नहीं रही थी, ये मंदी दिख नहीं रही थी, लेकिन मंदी थी, और अब इसका इंपैक्ट पड़ना शुरू हुआ है। और इसका केवल और केवल मेरी नजर में, जितना मैं इकोनॉमिक्स समझता हूं, मेरी नजर में इसका केवल एक ही पर्सन रिस्पॉन्सिबल है, वो है डोनाल्ड ट्रंप। ना वो खुद काम कर रहे हैं, ना किसी और को काम करने दे रहे हैं,
रियलिटी में ईरान पे सैंक्शन, चाइना पे सैंक्शन, हर देश पे सैंक्शन। अभी जैसे उन्होंने क्या बोला कि फॉर एग्जांपल देखो क्या होता है, समझो इन्होंने क्या बोला कि इंडिया अब डेवलपिंग इकोनॉमी नहीं है, हम इंडिया को अब टैरिफ और जो मिलता है हर जगह से उसको लेने नहीं देंगे, तो जो इंडिया के इन्वेस्टर है ना वो डिमोटिवेट हो जाएंगे। सिंपल सी बात है एक स्टेटमेंट देने से, ये याद रखना। तो ये वही इंसान है जो ये सब कर रहा है, और ये मंदी है, और ये मंदी अभी आगे और भयानक रूप लेगी। और जितने भी प्राइवेट जॉब्स हैं, अगर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आईटी से छोड़ दीजिए तो जॉब में दिक्कत तो होगी लोगों को, इसीलिए गवर्नमेंट जॉब करना भी सेफ है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कमेटी की बात कर रहे थे तो एक बड़ा सा रिविजन कर लेते हैं फटाफट। देखिए तो सेंट्रल वर्क पब्लिक डिपार्टमेंट ने एक कमेटी बनाई है, कमेटी क्यों बनाई है, फॉर्मुलेट अ डिजाइन पॉलिसी फॉर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, और इस कमेटी को लीड कौन करेंगे, एमके शर्मा, याद रखना एमके शर्मा, एमके शर्मा कमेटी को लीड करेंगे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पहला पॉइंट हमने कंप्लीट किया। दूसरा, आपको पता है कि माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए कौन सी कमेटी बनाई गई थी, यूके सिन्हा कमेटी, यह भी आपको पता है। इन्होंने रिकमेंड किया था कि 5000 करोड़ रुपए का फंड होना चाहिए, है ना, और इन्होंने बोला था कि मुद्रा योजना में 20 लाख रुपए तक का कोलैटरल फ्री लोन होना चाहिए। दोस्तों कोलैटरल फ्री का मतलब विदाउट सिक्योरिटी, दोनों पॉइंट्स आपने पढ़े हुए पहले भी। और देख लीजिए, सुप्रीम कोर्ट ने ग्रेट इंडियन बस्टर्ड और लेजर फ्लोरिकन, ये दो चिड़िया है, इनके लिए कमेटी बनाई थी, और इस कमेटी में दीपक आप्टे, असद आर रहमानी और धनंजय मोहन, तीन लोग इस कमेटी मेंबर थे, ठीक। और देख लीजिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 6 मेंबर कमेटी बनाई थी वीजी कनन के हेड में, एटीएम जो ट्रांजेक्शन चार्जेस लगते हैं उसके लिए। तो वीजी कनन, आरबीआई, ये पॉइंट और ये पॉइंट आपके सामने है, ठीक है। मैं थोड़ा जल्दी चल रहा हूं बिकॉज टाइम कम होता है हमारे पास, तो आप समझिएगा पीडीएफ आपको मिल जाएगा, उसमें भी आप देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कमेटी बनाई थी कोर इन्वेस्टमेंट कंपनीज को सुपरवाइज करने के लिए, और इस कमेटी को लीड कौन कर रहा था, तपन रे, ये भी आपको पढ़ाया गया, तपन रे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक कमेटी बनाई थी सेकेंडरी मार्केट डेवलपमेंट के लिए, टीएन मनोहरन इसके हेड थे, ये भी आपको पढ़ाया गया। नेक्स्ट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने हाउसिंग फाइनेंस सिक्योरिटाइजेशन कमेटी बनाई थी अंडर हर्षवर्धन जी, ये भी आपको पढ़ाया ही गया है, ये सारे पॉइंट आपको पढ़ाया। और देख लीजिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कमेटी बनाई गई है विमल जलान के लीड में, मतलब जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास एक्सेस मनी है उसे गवर्नमेंट को देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, विमल जलान, है ना। चलिए, सेंट्रल बैंक सरप्लस फंड टू गवर्नमेंट, यही जो मैं बोल रहा था। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने डिजिटल ट्रांजेक्शन को बढ़ावा देने के लिए नंदन नीलकर्णी कमेटी बनाई है, यह भी आपको पढ़ाया ही गया है, पता भी आपको होगा। और देख लीजिए, नरेंद्र मोदी जी ने ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर के लिए एक पैनल बनाया जिसको महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस लीड कर रहे हैं, यह भी आपको पढ़ा गया। और देख लीजिए, गवर्नमेंट रिकॉन्स्टिट्यूटेड ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स कॉल्ड द एयर इंडिया स्पेसिफिक, देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एयर इंडिया में अपने शेयर बेचने वाली है, इसे हम बोलते हैं डिसइन्वेस्टमेंट, और इसके लिए अमित शाह को लीड करके एक कमेटी बनाई गई है, अमित शाह जी यहां पे नाम है, ठीक है। और इनके साथ साथ निर्मला सीतारमन जी हैं, पीयूष गोयल जी हैं और हरदीप सिंह पुरी भी हैं, तो ये भी इंफॉर्मेशन। और देख लीजिए, गवर्नमेंट चाहती है कि 2020 और 24 के ओलंपिक में हमारा अच्छा प्रदर्शन हो, इसके लिए कमेटी बनाई गई है, और इस कमेटी को लीड कर रहे हैं हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर मिस्टर किरण रिजिजू, ये आपको पढ़ाया गया है ना। और देखते हैं हम लोग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस के लिए कमेटी बनाई है, कीर्ति पारिक उसको लीड करेंगे, यह भी आपको पढ़ाया गया है ना। सारे पॉइंट पढ़ाए गए, कोई बाहर से पॉइंट नहीं है। और देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने होलसेल प्राइस इंडेक्स के बेस ईयर के लिए कमेटी बनाई है, इस कमेटी को रमेश चाड़ लीड करेंगे, 17 मेंबर इस कमेटी में है, यह भी आपको पता है, ठीक। और देख लीजिए, वन रैंक वन पेंशन पॉलिसी के लिए डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने एक पैनल बनाया है, और इस पैनल को लीड कौन करेगा, कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट संजीव मित्तल लीड करेंगे, ठीक है। तो ये कौन है संजीव मित्तल, कंट्रोलर जनरल ऑफ द डिफेंस अकाउंट, तो ये भी इंफॉर्मेशन आपको हमने दी है, संजीव मित्तल, ठीक है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपके लिए बहुत जरूरी थी और रिवीजन करने के लिए बहुत जरूरी थी, मेरे ख्याल से इतनी जल्दी आपने समझ लिया होगा। जो बच्चे कॉन्टिन्यूस हमारे शो को फॉलो कर रहे हैं उन्हें दिक्कत नहीं होगी, जो बच्चे नए होंगे शायद उनको दिक्कत हो सकती है, ठीक है। हाँ, ये सारे पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, आगे बढ़े। अच्छा, तुम लोग को अच्छा लगा ये रिवीजन, तुम लोग को पसंद है कि नहीं मुझे बता दिया करो भैया, कमेंट तो तुम लोग करते नहीं हो, 5-6 लोग कमेंट करते हैं बस, तो पता नहीं चल पाता है हम लोग को, ठीक है। एक बात और,
क्यों तुम लोग में कुछ नाराजगी है क्या? मतलब कल मेरे ख्याल से पहली बार 4 या 5 लोगों ने सेशन को डिसलाइक किया था, तो मैं बोलता हूं कि डिसलाइक करो बट उसका जेन्युइन रीजन देकर करो। मुझे नहीं लगता कि मेरे बच्चे मेरे वीडियोस को डिसलाइक करेंगे, ये तो कोई और ही हो सकता है ना भैया। हम लोग देखो, हम लोग वैसे इंसान नहीं है कि जो थोड़े में संतुष्ट हो जाए, और ना मैं चाहता हूं कि आप लोग बनो। हमें हमेशा बेस्ट रहना है। हम देखो, मेरे पिताजी एक बात कहते हैं, कुछ भी काम करो उसमें बेस्ट रहो, ठीक है? तो जीए पढ़ाओ लेकिन उसमें बेस्ट रहो, तो ये अपना ऑब्जेक्टिव होता है। बहुत दुख हो जाता है इसमें। चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आपसे नेक्स्ट पॉइंट की। और अब हम किसकी बात कर रहे हैं? नेशनल अफेयर्स की बात कर रहे हैं। नेशनल अफेयर्स में हम सारे स्टेट की न्यूज और नेशन की न्यूज इंक्लूड करते हैं, आपको पता ही है। तो यहां पर हम पंजाब गवर्नमेंट की बात करेंगे। तो पंजाब गवर्नमेंट ने एक स्कीम लॉन्च की है, SSBY। इसका मतलब क्या है? सरबत सेहत बीमा योजना, सरबत सेहत बीमा योजना। और ये जो स्कीम है, ये जर्नलिस्ट, ये जो पंजाब में 4,500 जर्नलिस्ट हैं, उनको इंश्योरेंस देगा, हेल्थ इंश्योरेंस। एग्जैक्टली में ये है क्या, मैं बताऊं आपको। सेंट्रल गवर्नमेंट की एक स्कीम के बारे में पता होगा, स्कीम का नाम है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमारे देश के 10 करोड़ परिवारों को 5 लाख रुपए का पर एनम इंश्योरेंस देती है। हर स्टेट का इसमें कोटा होता है, ठीक? तो अब चीफ मिनिस्टर के हाथ में होता है कि वो इस कोटे को एक्सटेंड कर सकता है। मतलब सेम स्कीम वो अप्लाई कर देगा किसी और के लिए, फॉर एग्जांपल जर्नलिस्ट के लिए। तो सेंट्रल गवर्नमेंट इसका पैसा नहीं देगी, इसका पैसा आपको पे करना पड़ेगा। आपने प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को एक्सटेंड किया तो आप रिस्पॉन्सिबल है। मतलब समझो कि अगर मान लो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला कि पंजाब में हम 1 लाख लोगों को यह योजना देंगे, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1 लाख लोगों को ये पैसा बांटेगी। लेकिन अगर मान लीजिए इन्होंने बोला कि नहीं 4,500 एक्स्ट्रा, तो वो स्टेट गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। लेकिन एक बताओ, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला कि पंजाब में हम 1 लाख लोगों को हेल्थ इंश्योरेंस देंगे, तो उसका कॉस्ट भी स्टेट गवर्नमेंट बियर करती है, ऐसा नहीं करती। और इसका रेशियो कितना होता है? 60:40। मतलब 60% सेंट्रल गवर्नमेंट, 40% स्टेट गवर्नमेंट। तो ये तो 1 लाख लोगों के लिए था, लेकिन जो एक्स्ट्रा 45 लोग ये लोग हैं, तो इनका पूरा कॉस्ट स्टेट गवर्नमेंट बियर करेगी, ठीक है? तो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को ही एक्सटेंड किया गया और उसका नाम चेंज करके सरबत सेहत बीमा योजना रखा गया। आइए बात करते हैं इसके बारे में, ठीक है? तो स्कीम का नाम क्या है? स्कीम का नाम है सरबत सेहत बीमा योजना। स्टेट गवर्नमेंट कौन सी है? पंजाब, जिसने लॉन्च किया है। कितने लोग कवर्ड होंगे? 44,500 लोग, जो कि जर्नलिस्ट हैं पंजाब में, ठीक? परमिटेड प्रीमियम पेड बाय पंजाब स्टेट गवर्नमेंट। ट्रीटमेंट कवर, देखो ये समझना पड़ेगा, सेकंड एंड थर्ड ये आपका ट्रीटमेंट। तो सेकंड और थर्ड ट्रीटमेंट का मतलब क्या हुआ? सेकंड ईयर थर्ड ईयर, मैं समझाता हूं। देखिए, सपोज करिए कि मेरे हाथ में दर्द है, हाथ में मेरे दर्द है, ठीक है? मैं गया डॉक्टर के पास, मैंने डॉक्टर को दिखाया, अपना हाथ दिखाया, तो ये क्या, ये प्राइमरी केयर होता है, ये प्राइमरी केयर, ठीक है? तो डॉक्टर ने बोला कि यार कुछ गड़बड़ लग रही है, काम करो, जो ऑर्थोपेडिशियन होते हैं ना, मतलब जो मेन हड्डी के डॉक्टर होते हैं, उनके पास जाओ। तो अगर मैं किसी स्पेशलिस्ट के पास जाता हूं तो वो क्या होता है? सेकेंडरी केयर होता है, ठीक? अच्छा, अब ऑर्थोपेडिशियन ने मुझे चेक किया, मुझे उसने बोला कि नहीं यार तुम्हारा तो ऑपरेशन होना पड़ेगा, सर्जरी करनी पड़ेगी, तुम सर्जन के पास जाओ। तो ये सर्जरी मतलब टर्शरी हो गया, तो सेकेंडरी केयर और टर्शरी केयर इसमें इंक्लूड किए जाएंगे। अब मेरे ख्याल से आप समझ गए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेकेंडरी केयर एंड टर्शरी केयर, ठीक है? चलिए 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 आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए, पंजाब के बारे में कुछ स्टैटिक फैक्ट की बात कर लें, तो पंजाब की कैपिटल चंडीगढ़, चीफ मिनिस्टर अमरिंदर सिंह, गवर्नर बडनोले जी हैं। पंजाब में कौन कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, तो हमने इसका नाम यहां पर दिया हुआ है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। मैं क्या बोलता हूं कि हर दिन आपको किसी स्टेट के स्टैटिक पॉइंट पढ़ाए जाते हैं, इतना बस करना है आपको कि जिस दिन अगर मैंने पंजाब के बारे में कोई इंफॉर्मेशन दी, तो आज पंजाब को पढ़ लो, कल किसी और स्टेट को, धीरे धीरे 1-2 महीने में तुम्हारे सारे स्टेट कवर हो जाएंगे, है ना? चलिए और देखिए, पंजाब के स्टेट एनिमल ब्लैक बक, स्टेट बर्ड बाज, स्टेट फ्लावर ग्लैडियस और स्टेट ट्री शीशम, ठीक? आगे बढ़े अबाउट पंजाब। तो अगर पंजाब से कैबिनेट मिनिस्टर की बात करें, तो हरसिमरत कौर बादल जी, जो हमारे देश की फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर भी हैं, फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर, तो इनका कॉन्स्टिट्यूएंसी एरिया क्या है? देखिए, बठिंडा एमपी, बठिंडा, तो बठिंडा से ये चुनाव लड़ती हैं। फोक डांस भांगड़ा है यहाँ का, पंजाब का फोक डांस, ठीक? फेमस एयरपोर्ट श्री गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट अमृतसर। कल हम लोगों ने अपने प्लस कोर्स में ये सब पढ़ा था ना, मैंने पढ़ाया था, जो बच्चे 3 o'clock पर आए होंगे उनसे मैंने क्वेश्चन पूछे थे। फेमस स्टेडियम गांधी स्टेडियम जलंधर में, गांधी स्टेडियम कहां पे? जलंधर में। फेमस स्टेडियम पंजाब का, ठीक?
फेमस टेम्पल गोल्डन टेम्पल अमृतसर. गोल्डन टेम्पल पूरे विश्व में सबसे ज्यादा विजिट होने वाला प्लेस है, टूरिस्ट प्लेस है, ये भी याद रखिएगा. तो हम पंजाब के स्टडी पॉइंट की बात कर रहे थे जो हमने यहाँ पे पढ़ लिया. फेमस हिस्टोरिक साइट्स कौन सी हैं, तो जलियांवाला बाग, द रॉक गार्डन, लोधी फोर्ट, अकाल तख्त और किला मुबारक, ये यहाँ के फेमस एरियाज हैं. फेमस थर्मल पावर प्लांट गुरु गोविंद सिंह सुपर थर्मल पावर प्लांट कहां पे, ये तो नाम से मुझे लगा कि पंजाब में होगा, गुरु नानक तो पंजाब. तो ये देखो ये क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा, पूछा जाएगा तो आप आराम से बता दोगे क्योंकि पंजाब ही है ना. चलिए सम इंपॉर्टेंट फैक्ट अबाउट पंजाब, पंजाब के बारे में और भी इंफॉर्मेशन आपको दे रहे हैं. जी हाँ, मोहाली में 3D ट्रैफिक लाइट या रिस्टोरेंशन, बिल्कुल सही. देखिए पंजाब मतलब पांच नदियों का प्लेस. ये पांच नदियां कौन सी हैं, झेलम, चेनाब, रावी, सतलुज और ब्यास. ब्यास, सतलुज, रावी, चेनाब, झेलम, ये पांच नदियां पंजाब में बहती हैं, इसीलिए पंजाब को इन पांचों नदियों के नाम पर पंजाब कहा जाता है. ठीक है, और देखिए पंजाब शेयर इट्स इंटरनेशनल बॉर्डर विद पाकिस्तान. तो पंजाब केवल एक मतलब एक कंट्री से अपनी बॉर्डर शेयर करता है, आपको बताइए पाकिस्तान के साथ. पंजाब इज द फर्स्ट स्टेट वेयर प्रेसिडेंट रूल वॉज इम्पोज. देखो ये ध्यान देना, अगर आप नेट पे सर्च करोगे, ये बड़ा, ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन वाला पॉइंट है, क्योंकि अगर आप नेट पे सर्च करते हो ना तो आर्टिकल 356 राष्ट्रपति शासन के लिए होता है, आर्टिकल 356 को पहली बार हमारे देश में कहां पर इंपोज किया गया था, तो आंसर आएगा उत्तर प्रदेश. लेकिन ये 1956 की बात थी, तो आर्टिकल 356 नहीं बना था लेकिन फिर भी प्रेसिडेंट को पावर थी. तो 19 यहां पर लिखा होगा 1951 और 52 में हमारे देश में सबसे पहले पंजाब में प्रेसिडेंट रूल लग गया था, बट आर्टिकल 356 जब यूज होना शुरू हुआ तो वो यूपी था. तो अगर आपके एग्जाम में कभी आर्टिकल 356 नहीं पूछा जाएगा कि भाई पहला स्टेट बताओ जहां पर राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था, तो वो कौन था, पंजाब था. लेकिन 356 के अराउंड पूछेगा तो फिर आप यूपी बोलोगे. ठीक, ये भी देख लीजिएगा. आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की बात कर, अरे अभी हुआ नहीं देख लो. और हाँ, पंजाब को हम इंडिया ब्रेड बास्केट बोलते हैं, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा गया कि भाई किस स्टेट को हम इंडिया का ब्रेड बास्केट बोलते हैं, तो पंजाब को बोलते हैं. ठीक है, और एज पर द वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड गोल्डन टेम्पल इज द इन अमृतसर इज द वर्ल्ड मोस्ट विजिटेड प्लेस. तो ये भी इंफॉर्मेशन आपके सामने देख लीजिएगा. ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की. हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अब पंजाब के बाद हम बात करेंगे इंडियन रेलवे की. इंडियन रेलवे की बात करने वाले हैं, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, और देख लीजिएगा मैं ये गारंटी दे रहा हूं कि आपके एग्जाम में इससे क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि पहली बार भी जब हमारी ये उदय एक्सप्रेस चली थी तो एग्जाम में क्वेश्चन आया था. ठीक, दस सेकेंड. दूसरी उदय एक्सप्रेस ट्रेन चलाई गई है बिटवीन विशाखापट्टनम एंड विजयवाड़ा टू बी लॉन्च. तो विशाखापट्टनम को विजयवाड़ा से जोड़ रही है ये ट्रेन, इसका नाम है उदय एक्सप्रेस. क्या कमाल की ट्रेन है, कल यूट्यूब पर मैंने इसका वीडियो देखा, मतलब आलीशान डबल डेकर ट्रेन है, और मतलब क्या गजब की ट्रेन है यार. मतलब जैसे आप लोगों ने कभी महाराजा पैलेस देखा है, महाराजा ट्रेन चलती है, मतलब जस्ट लाइक. इसमें मतलब फूड कोर्ट्स भी हैं, बहुत बढ़िया है मतलब ये ट्रेन. अगर आपको टाइम मिले तो उदय का ये वीडियो देखिएगा, बहुत बढ़िया ट्रेन बनाई है रेलवे ने. ठीक, देखिए आइए आगे बढ़ते हैं, आपको पूरी इंफॉर्मेशन देते हैं. तो ये जो ट्रेन चली है वो कौन से रेलवे जोन में चली है, ये भी देख लीजिए. तो ईस्ट कोस्ट रेलवे जोन में चली है. ठीक, रूट कौन सा है, विशाखापट्टनम एंड विजयवाड़ा. ठीक, ट्रेन का नाम क्या है, उदय का फुल फॉर्म उत्कृष्ट डबल डेकर एयर कंडीशन यात्री ट्रेन एक्सप्रेस. उदय फुल फॉर्म आपके सामने है, उत्कृष्ट डबल डेकर एयर कंट्रोल यात्री एयर कंडीशन यात्री एक्सप्रेस. ठीक, कितने कोचेस हैं, नाइन डबल डेकर कोचेस हैं. डबल डेकर में समझ रहे हैं ना, डबल डेकर. ठीक, तो ये भी इंफॉर्मेशन हमने आपको दे दी, जोन का नाम, ट्रेन का नाम, रूट का नाम, कितने कोचेस हैं. ठीक, आगे बढ़िए, ये तो हो गया है. चलिए कंप्यूटर जी ने इसमें कुछ मिस्टेक कर दी है, मैं आपको पीडीएफ भेजूंगा, उसमें मैंने आपको पूरी इंफॉर्मेशन दी है कि जस्ट लाइक कि ये पहली ट्रेन कब चलाई गई, कौन सा रूट था, मैंने इंफॉर्मेशन दी है. तो ये एक लोग को मैंने मतलब रखा है, तो वो स्लाइड बना रहे हैं आजकल मेरे लिए, उसमें कुछ गड़बड़ी कर दी इन्होंने. ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, पीडीएफ में सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी. ठीक है, चलिए अब चूंकि हमने कमेटीज की बात की थी, तो रेलवे की इतिहास में कौन कौन सी मेन इंपॉर्टेंट कमेटी बनी है और क्यों बनी है, किस किस ईयर में बनी है. देखिए, शाहनवाज कमेटी 1954 में बनाई गई, हाई लेवल सेफ्टी रिव्यू कमेटी. ठीक, कंजारू कमेटी 962, रेलवे एक्सीडेंट कमेटी.
वांचू कमेटी 1968, रेलवे सेफ्टी कमेटी, कमेटी बना गई है, ठीक है। और देखिए सिकरी कमेटी 1978, रेलवे एक्सीडेंट इंक्वायरी कमेटी। खन्ना कमेटी 1998, रेलवे सेफ्टी रिव्यू कमेटी, ये क्वेश्चन एग्जाम में रेलवे में पूछा गया है, ठीक। अरविंद पनगड़िया, ये सबसे नई कमेटी है, बड़ी कमेटी है, जो कि हमारे देश में बुलेट ट्रेन के लिए थी, तो इसकी इंफॉर्मेशन भी हमारे सामने है। हाँ, मैंने तो बोला था कि मैं रोज, हाँ मैंने बोला था कि किसी को भी काम करना है मेरे साथ तो मुझसे कांटेक्ट कर सकता है। अगर मैं फिर से बोल रहा हूं, अगर आप में से किसी को दिन में 2-3 घंटे देने हैं, आपको पावर पॉइंट पे काम करने आता है, आपके पास लैपटॉप है, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। मेरे पास भी अभी एक वर्क और है। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट हमारे सामने है, और जहां पर हम क्या बात कर रहे हैं, जहां पर हम बात करेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को डिजास्टर से नुकसान होने के लिए कुछ फंड दे रहा है, ठीक है। देखिए तो सेंटर रिलीज रुपीज 4,432.10 करोड़ टू थ्री स्टेट, तीन राज्यों को 4,432.10 करोड़ रुपए दिए गए, सेंटर मतलब केंद्र सरकार। तो केंद्र सरकार ने तीन राज्य को इतना पैसा दिया, ये तीन राज्य कौन थे और इन राज्यों को कितना कितना फंड मिला, हम उसकी बात भी करेंगे, ठीक है। देखिए तो यूनियन मिनिस्टर श्री अमित शाह की बात करते हैं, इन्होंने रुपीज 4,432.10 करोड़ रुपीज दिए हैं तीन स्टेट को, और वो तीन स्टेट कौन से मैं आपको बताऊंगा, लेकिन कहां से दिए हैं, तो नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड, ये याद कर लीजिएगा, नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड। नाम से मालूम चल रहा है कि हमारे देश में एक फंड बनाया जाता है जो डिजास्टर्स होते हैं उन वहां इससे पैसे खर्च किए जाते हैं, ठीक है। तीन स्टेट अमाउंट आपके सामने, कहां से फंड दिए गए वो मैंने आपको बताया। अब ये तीन स्टेट कौन से, देखिए तो बात करें तो सबसे देखिए ओडिशा को सबसे ज्यादा पैसा मिला, बिकॉज ओडिशा में फेनी तूफान आया था, तो ओडिशा को 333.822 करोड़ रुपीस दिए गए, 3,338.22 करोड़ रुपए दिए गए, ठीक है, ओडिशा को ये पॉइंट। अगर हम बात करते हैं कर्नाटका की, तो कर्नाटका को दिए गए हैं रुपीज 1,029.39 करोड़ रुपीज, और अगर हम हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश को 64.49 करोड़ रुपीज दिए गए, यानी हिमाचल प्रदेश एक स्टेट हो गया, कर्नाटका दूसरा स्टेट और ओडिशा तीसरा स्टेट। अभी हमको याद करना है डेटा, तो कैसे याद करें, ओडिशा की हम बात कर रहे हैं, ओडिशा को सबसे ज्यादा फंड दिया गया और सबसे कम हिमाचल प्रदेश को, तो ओडिशा को 3,336 होता है, 9 होता है, 3+3+3 9 में से एक माइनस कर दो 8, तो इस तरह याद करना पड़ेगा, कहानी लानी पड़ेगी आपको, क्योंकि डेटा आप ऐसे लर्न नहीं कर पाओगे, क्योंकि आफ्टर इंटरमीडिएट हमारा लॉजिकल माइंड काम करता है, तो ये लॉजिकल ट्रिक्स है। 3,3,3,9 - 1 - 8 338 करोड़, तो ऐसे याद करेंगे तो आपको आराम से याद हो जाएगा, ठीक है। एक के पहले जीरो आता है, एक के बाद दो आता है, तो इस तरह फिर 9 आपको अलग से याद करना पड़ेगा, तो कहानी आपको कॉन्सेप्ट बनाना पड़ता है माइंड में आपको, ठीक है। तो ये अमाउंट था जो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने फंड दे दिया स्टेट गवर्नमेंट को, तो स्टेट गवर्नमेंट के पास क्या होता है, स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड। देखिए द असिस्टेंस इज अपार्ट फ्रॉम द फंड रिलीज बाई द सेंटर टू द स्टेट अंडर द स्टेट डिजास्टर फंड, ये सहायता केंद्र द्वारा राज्यों को राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष के तहत जारी किए धन से अलग है। मतलब कि स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड अलग से होता है, जहां पे स्टेट गवर्नमेंट को पैसा दिया जाता है उसके अलावा ये अलग से दिया गया, ये भी है, तो ये लॉजिकल पॉइंट है, ये आपके एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा, कॉन्सेप्ट को समझने वाली बात है, ठीक है। अच्छा 2018-19 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने टोटल 9,658 करोड़ रुपीज दिए थे, ठीक, ये भी देख लीजिएगा। तो हमने आपको 18-19 का डेटा दिया है, और अभी तक अगर हम 19-20 की बात करें तो अभी तक सेंट्रल गवर्नमेंट ने 4,432.10 करोड़ रुपीज दे दिए। अभी तक का मतलब कौन सा मंथ है, ये मंथ है आपका अभी अगस्त, है ना, और ये जितने भी डिजास्टर होते हैं हमारे देश में ये जुलाई अगस्त सितंबर तक चलते हैं, यानी अभी सेंट्रल गवर्नमेंट को और पैसे देने पड़ेंगे। चलिए तो ये हमारा पॉइंट हो गया, आगे बढ़ते हैं और अब एग्रीमेंट की बात करेंगे, एग्रीमेंट पैक्ट एंड एमओयूज की बात करेंगे। इसमें आपको देखिए जो न्यूज है वो न्यूज तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन इस न्यूज के साथ मैंने एक न्यूज और अटैच की है जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। वो कौन सी न्यूज है, देखिए पहले देखिए यहां पर तो SMVDU, ये क्या है मैं आपको बताऊंगा अभी, साइंड MOU विथ NISC टू अचीव नेशनल सोलर मिशन। नेशनल सोलर मिशन के डेटा आपको पता है, नेशनल सोलर मिशन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट मिशन फॉर अस, आई एम सारी बात करते हैं आपसे। देखिए तो NISC का मतलब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी,
नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी, ये हमारे देश की एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है, ठीक। इसने एक एग्रीमेंट किया है श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी के साथ, माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी और NISE के बीच में एग्रीमेंट हुआ है। क्यों हुआ है? ये लोग साथ में काम करेंगे नेशनल सोलर मिशन जो हमारा है उसके लिए। नेशनल सोलर मिशन क्या है, इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, वो नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है, मैं आपको पढ़ाऊंगा। उसके पहले देखिए, तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी ने श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी के साथ एग्रीमेंट किया है, ठीक है। आइए बात करते हैं, 5 साल के लिए एग्रीमेंट है, इतना ये इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, लेकिन नेशनल सोलर मिशन को समझना बहुत जरूरी है। देखिए, नेशनल सोलर मिशन की बात करें तो इसका इनॉग्रेशन मनमोहन सिंह जी ने किया था, हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, और 11 जनवरी 2010 को ये प्लान आया था। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या था कि इंडिया को 2022 तक 20 GW तक सोलर एनर्जी प्रोड्यूस करना है, लेकिन जैसे ही नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट आई, नरेंद्र मोदी जी ने इस टारगेट को बढ़ा दिया, और टारगेट हमारा क्या है, 100 GW, मतलब कहां 20 कहां 100, 100 गीगावाट सोलर एनर्जी 2020 तक हमको ये प्रोडक्शन पहुंचाना है। ये काफी इंपॉर्टेंट है। नेशनल सोलर मिशन कब लॉन्च हुआ, 11 जनवरी 2010, किसने लॉन्च किया, हमारे देश के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी ने। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, 2022 तक हमारे देश में जो सोलर एनर्जी प्रोडक्शन है वो 20 गीगावाट हो, लेकिन हमारे देश के अभी राइट नाउ प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर जी ने इसको इंक्रीज करके 100 GW कर दिया है, 2022 तक हमको ये पहुंचाना है प्रोडक्शन। तो इसके लिए क्या हुआ, इसके लिए, इसी के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी ने इनके साथ एग्रीमेंट किया है। तो ये पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट हो ना हो, लेकिन आपको नेशनल सोलर मिशन का डेटा याद करना पड़ेगा, 100 GW 2022 तक, ये पॉइंट आपको लर्न करना पड़ेगा। तो ये न्यूज मैं आपको देना चाह रहा था, ठीक है, एग्जैक्टली मैं कि आपको नेशनल सोलर मिशन, मैंने आपसे कल एक बात बोली थी ना, मैंने कल आपसे एक बात बोली थी कि टारगेट आपके सामने होता है, मतलब आप जिसको देखते हो क्या आप उसको टारगेट मानते हो, क्या आप इसके बियॉन्ड नहीं आ सकते? तो मतलब फॉर एग्जांपल, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को लगा कि यार 20 GW बहुत है, लेकिन हो सकता हो कि कोई और सोच रखने वाला जिसने बोला कि नहीं 100 GW। तो सोच का अंतर होता है कि आप अपना कंपैरिजन, आप अपनी क्षमता, आपके अंदर जो चीजें हैं वो आप किसी को देख, कहते हैं ना एक कहावत है बड़ी सिंपल सी कि तरबूजा को देख के रंग बदलता है ना। तो जैसे क्या होता है कि हम प्रिपरेशन करने के लिए आते हैं, हम किसी एक बंदे को देखते हैं कि यार ये तो बड़ा अच्छा है हमारी क्लास में, अच्छा है, बढ़िया कर रहा है, ये तो हमें इससे कॉम्पिटिशन करना है, और हमने अपनी पूरी एनर्जी, पूरे रिसोर्सेस, सब कुछ उसके ही हिसाब से मोल्ड कर लिए। अरे क्या आपका कॉम्पिटिशन उससे था? नहीं यार, बहुत बड़ा दुनिया है। तो देखो ये बात समझना, तुम जब कंपटीशन करो ना तो अपना लेवल बढ़ाते जाओ, कोई कैसा है तुम उसे छोड़ो, वहां पर तुम अपना लेवल बढ़ाते जाओ। ये मैं आपको कल समझा रहा था और यही मैं आपको आज भी समझा रहा हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं विप्रो की, तो विप्रो ने एक एग्रीमेंट साइन किया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के साथ टू रिसर्च इन रोबोटिक्स एंड 5G। 5G का क्या आपको पता है, 5G हमारे देश में आने वाला है, तो 5G के लिए, रोबोटिक्स के लिए विप्रो ने एक एग्रीमेंट किया है IISc के साथ, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। आइए उसके बारे में बात कर लें। देखिए, विप्रो अनाउंस अ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विद द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु टू कंडक्ट एडवांस अप्लाइड रिसर्च इन ऑटोनोमस सिस्टम, रोबोटिक्स एंड 5G स्पेस। रोबोटिक्स 5G स्पेस के लिए विप्रो एंड IISc ने एग्रीमेंट किया। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। देख लीजिए, ये दोनों मिलके क्या करेंगे, साथ में जॉइंटली एक काम करेंगे ये लोग, विप्रो IISc रिसर्च एंड इनोवेशन नेटवर्क एक कंपनी बनाएंगे और उसके साथ मिलकर काम करेंगे, विप्रो एंड IISc। तो ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट था, ठीक है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आपसे नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट हम स्पोर्ट्स लेकर आए हैं और स्पोर्ट्स में क्या क्या पॉइंट आपको हम देंगे। देखिए, तो स्पोर्ट्स में कौन कौन से पॉइंट हम आपको देंगे। पहला पॉइंट है सिनसिनाटी मास्टर्स वेस्टर्न साउदर्न ओपन, मतलब टेनिस चैंपियनशिप का एक पॉइंट है जिसके बारे में आपसे हम बात करने वाले हैं, ठीक है। देखिए, तो क्या क्या पॉइंट है आपके सामने, स्पोर्ट्स की बात कर रहे हैं, टेनिस, मतलब ये जो इवेंट है जो आप लोग देख रहे हो सिनसिनाटी मास्टर्स, ये कौन सा है, ये टेनिस टूर्नामेंट था। इवेंट का नाम क्या है, द सिनसिनाटी मास्टर वेस्टर्न साउदर्न ओपन 19। आपको सिनसिनाटी याद रखना है, इतना काम हो जाएगा। सिनसिनाटी कहां पे है, यूएस में, मतलब कि ये कहां पर हुआ, हिल्स कहां पर हुआ, तो ये कहां पर हुआ, सिनसिनाटी यूएस में।
अगर हम बात करें मेंस एडिशन तो ये 118वां एडिशन था, मतलब कि ये पुरुषों का जो ये मतलब ये जो टूर्नामेंट है उसमें पुरुष कई टाइम पहले से खेलते आ रहे हैं कंपैरिजन टू वुमेन्स, वुमेन्स को बाद में मौका मिला, वुमेन्स का ये 91 एडिशन था, 118 पुरुषों का और 191 महिलाओं का। ठीक, देखिए अब इसमें किसने किसने जीता अवार्ड, ठीक है, तो अगर हम कैटेगरी की बात करें तो मेन सिंगल किसने जीता, डैनियल मेदवेद रशिया से है, वुमेन सिंगल तो मेडिसन कीज, मैंने आपको मेंस डबल और वुमेन्स डबल की भी इंफॉर्मेशन दी है। देखिए सिंसिनाटी ओपन पे क्वेश्चन पहले पूछा गया लेकिन ये विम्बलडन या फ्रेंच ओपन की तरह बहुत बड़ा टूर्नामेंट नहीं है, तो मुझे नहीं लगता पर्सनली कि मेंस डबल और वुमेन्स डबल से पूछा जाएगा, मुझे नहीं लगता, लेकिन मेंस सिंगल एंड वुमेन्स सिंगल आपको याद करना पड़ेगा, स्पेशली ये खिलाड़ी किस देश से बिलोंग करते हैं ये भी आपको याद करना पड़ेगा, रशिया एंड अमेरिका। ठीक है, तो हम सिंसिनाटी ओपन की बात कर रहे थे, मैंने आपको पहले कुछ स्टैटिक इंफॉर्मेशन दी और अब आपको मैंने मेन सिंगल विजेता और वुमेन सिंगल विजेता का नाम बताया। मैं फिर से बोल रहा हूं कि मेंस डबल वुमेन्स डबल आपके ऊपर है, आप चाहो पढ़ लो, लेकिन ये इतना बड़ा कोई टूर्नामेंट नहीं है कि मेंस डबल या वुमेन्स डबल आपसे पूछा जाए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं स्पोर्ट्स में, एक न्यूज मैं आपको और दूंगा, IOCL क्लिंच डोलो 650 बैंगलोर कप ऑल इंडिया हॉकी टूर्नामेंट 2019 बाय बीटिंग आर्मी 11। तो आर्मी 11 को हराकर IOCL ने डोलो 650 बैंगलोर कप ऑल इंडिया हॉकी टूर्नामेंट जीत लिया। आइए हम इसकी बात करने जा रहे हैं, देखिए स्पोर्ट्स इवेंट नाम नेम क्या है, डोलो 650 बैंगलोर कप ऑल इंडिया हॉकी टूर्नामेंट 2019, ये इस टूर्नामेंट का नाम था, फोर्थ एडिशन था आपके सामने। टूर्नामेंट कहां पर हुआ, तो फील्ड मार्शल KM करियप्पा हॉकी अरेना बैंगलोर, यानी ये इवेंट बैंगलोर में हुआ। ठीक, विनर टीम का नाम क्या है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन IOCL, हारा कौन है मतलब रनर कौन है, इंडियन आर्मी मतलब आर्मी 11। ठीक, प्राइज मनी 4 लाख रुपीज, बेस्ट प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट अफान यूसुफ। तो हमने टेबुलर फॉर्म में सारी इंफॉर्मेशन एक साथ कवर कर दी आपके लिए ताकि आपको पढ़ने में ये इजी हो जाए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और पर्सन इन न्यूज की बात करते हैं। तो पर्सन इन न्यूज में हम क्या आपको इंफॉर्मेशन देने वाले हैं, देखिए मध्य प्रदेश के पैरा स्विमर सत्येंद्र सिंह लोहिया क्रॉसेस अमेरिकास कैटलीना चैनल। तो अमेरिका के कैटलीना चैनल को पार करने वाले मध्य प्रदेश के पैरा तैराक सत्येंद्र सिंह लोहिया, और ये पूरे एशिया के फर्स्ट स्विमर है, पूरे एशिया के। लेकिन मेन इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये दिव्यांग है, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। मतलब इस समय पर मतलब ये जो आपका कैटलीना जो चैनल है, मतलब ये जो लॉस एंजल्स के आसपास का एरिया है, ये ठंडा होता है, इसका पानी कम से कम एवरेज 13 डिग्री सेल्सियस ही होता है। मतलब उसमें इतने लंबे रूट पर तैरना मतलब अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट है। देखिए दिव्यांग है ये सत्येंद्र सिंह लोहिया, ये मध्य प्रदेश के निवासी हैं, ये फर्स्ट एशियन स्विमर बन गए हैं जिन्होंने कैटलीना चैनल ऑफ अमेरिका को पार किया। इसके लिए इन्होंने 11 आवर और 34 मिनट का टाइम लिया, 11 घंटे 34 मिनट का टाइम लिया। तो सत्येंद्र सिंह लोहिया की हम बात कर रहे थे, एमपी से बिलोंग करते हैं, फर्स्ट एशियन स्विमर बन चुके हैं कैटलीना चैनल ऑफ अमेरिका को पार करने वाले। तो ये इंफॉर्मेशन आपके सामने, आगे बढ़ेंगे और आपको एक्स्ट्रा हाईलाइट देंगे। तो एक्स्ट्रा हाईलाइट में कौन कौन सी इंफॉर्मेशन आपको लेने के लिए आए हैं, लेकर आए हैं, देखिए पहली न्यूज तो हमारे जो जानते हैं शिशन जी, इनको अब क्या हो गया है, देखिए 2013 में आईपीएल में ये पकड़े गए थे फिक्सिंग में और इनके ऊपर आजीवन बैन लग गया था, लेकिन फिर इन्होंने इस बैन को चैलेंज किया और इनके बैन को आजीवन से खत्म करके 7 साल कर दिया गया। तो 2020 में इनका टर्म पूरा होने वाला है। ठीक है, देखिए तो बीसीसीआई अनाउंसेस अ रिडक्शन इन बैन पीरियड टू 7 ईयर्स एंडिंग इन 2020 फॉर क्रिकेटर एस्पिरेशन। ठीक है, देखिए तो बीसीसीआई के ऑम्बुड्समैन कौन है, डीके जैन ने ये अनाउंसमेंट किया कि श्रीशांत जी का जो बैन है वो 2020 में खत्म हो रहा है। 13 में इनके ऊपर लाइफ टाइम का बैन लगा था बट सुप्रीम कोर्ट ने फिर इनका बैन 7 साल कर दिया था जो 2020 में खत्म हो रहा है। तो ये इंफॉर्मेशन, डीके जैन का नाम आपको याद रखना है। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन आपको हम दे रहे थे पैरी न्यूज में। न्यूज नंबर 2, इंडियन अमेरिकन टीम नवनीत मुरली विन 2019 साउथ एशियन स्पेलिंग बी कॉम्पिटिशन। तो भारत अमेरिकी किशोर नवनीत मुरली ने 2019 का साउथ एशियाई स्पेलिंग बी प्रतियोगिता जीत लिया है। नाम क्या है, नवनीत मुरली इनका नाम है। इनको $3,000 का प्राइज मिला है। नवनीत मुरली जो कि न्यू जर्सी अमेरिका में भी रहते हैं, उन्होंने ये प्राइज जीता है। ठीक है, ये स्पेलिंग बी कॉन्टेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट,
नेक्स्ट पॉइंट, मध्य प्रदेश के पूर्व चीफ मिनिस्टर बाबूलाल गौर जी का निधन हो गया। मध्य प्रदेश के पूर्व चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, तो ये इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी हैं, ठीक है। बीजेपी से ये चुनाव लड़ते थे, इन्होंने 10 साल एज ए विधायक भी काम किया है, मे बी शायद, हाँ ये है 10 साल विधायक। गोविंदपुर असेंबली जो है वो एमपी में है, वहां से ये 10 टाइम कॉन्टिन्यूअस विधायक रहे वहां पे, ठीक है। तो इनका निधन हो गया भोपाल में, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट, जाम्बिया के प्रेसिडेंट इंडिया में आए, राष्ट्रपति से मिले, अपनी बातें कहीं, देखिए यहां पे। तो प्रेसिडेंट ऑफ जाम्बिया एडगर चगवा लुंगू इनका नाम है, नाम थोड़ा टफ है लेकिन ये इंडिया में आए हैं तो ये इंपॉर्टेंट हो गया। तो जाम्बिया के प्रेसिडेंट एडगर चगवा लुंगू जो है ये इंडिया में आए हैं 3 दिन के विजिट पर, ये भी हमने आपको इंफॉर्मेशन दी। अब जाम्बिया की कैपिटल करेंसी भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो गई है, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज, सऊदी अरेबिया अलाउ वुमेन टू ट्रेवल अब्रॉड विदाउट परमिशन फ्रॉम मेल गार्जियन। तो सऊदी अरेबिया ने पुरुष गार्जियन की अनुमति के बिना भी महिलाओं को विदेश यात्रा करने की छूट दे दी है। बहुत बढ़िया न्यूज है। एग्जैक्टली मैं सऊदी अरेबिया एक बार समझ चुका है कि देखो अब वो समय रहा ही नहीं है, हमें सऊदी अरेबिया या यूएई ये लोग क्यों इस तरह का सुधार कर रहे हैं, क्योंकि इनको पता है कि इनका तेल खत्म हो जाएगा, तेल मतलब क्रूड ऑयल की बात कर रहे हैं, ठीक है, जिससे इनकी इकॉनमी चल रही है। तो आगे जो है ये अपने देश को ग्लोबल लाइक अमेरिका की तरह बनाना चाहते हैं। ये आप देख रहे हैं ना कि ये अभी बाहरी लोगों को अपने देश में रेसिडेंट का स्टेटस दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं, इसीलिए दे रहे हैं, इन्हें और सेक्टर में अभी जाना है और ये काफी सुधार भी कर रहे हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट आपके सामने है, ठीक है। तो सऊदी अरेबिया बिगन इंप्लीमेंटिंग अ लैंडमार्क रिफॉर्म अलाउइंग वुमेन ओवर द एज ऑफ 21 से ऊपर एज वाली, तो ये भी आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है, विदाउट परमिशन फ्रॉम अ मेल गार्जियन अथॉरिटीज, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट बात करें तो हमारे लोकसभा में, हमारे पार्लियामेंट में एक बात तो अच्छी हुई, लोकसभा सेक्रेटरिएट हैज बैंड द यूज ऑफ नॉन रीयूजेबल प्लास्टिक वाटर बॉटल। तो लोकसभा ने जो गैर पुनः उपयोग योग्य प्लास्टिक होती है, बॉटल होते हैं, उनके यूज पर बैन लगा दिया है पार्लियामेंट में। अच्छी बात है, बढ़िया बात है, देख लीजिएगा, लोकसभा सेक्रेटरी की बात कर रहे हैं, बॉटल क्लियर ये बात। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रियंका ने यहां पे जाम्बिया की कैपिटल करेंसी भी बता दी है, आप लोग बता दिया अगर ये सब लोग बाय डिफॉल्ट आपको ये बोलना होता है, ठीक है। असम की बात करते हैं तो असम के एक रेस्टोरेंट में एक रोबोट का यूज किया जा रहा है, जैसे पालकी जो है ये खाना परोसती है, मतलब कि ऑर्डर आपका लेती है, आपको खाना देती है, पालकी असम की बात कर रहे हैं, फर्स्ट ह्यूमनाइड रोबोट पालकी सर्व अप डिलीशियस एट गुवाहाटी एटर्ली, ठीक है। तो असम में गुवाहाटी के एक रेस्टोरेंट में पालकी नाम की रोबोट है जो कि आपको असिस्टेंट करती है, आपको एंटरटेन करती है। तो ध्यान दीजिएगा, पालकी नाम याद कर लीजिएगा, पालकी याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, 20 अगस्त को एक डे और मनाया गया जिसका नाम था वर्ल्ड मॉस्क्यूटो डे। सद्भावना दिवस तो था लेकिन वर्ल्ड मॉस्क्यूटो डे भी मनाया गया, तो हमने इसकी भी इंफॉर्मेशन आपको दे दी है। अब एमसीक्यू की बात करेंगे, अभी 10 AM से जो हमारी क्लास होनी है उसमें हम कौन सी बात करेंगे, मे मंथ के 100 MCQs की, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन, द कर्नाटका गवर्नमेंट नोटिफाइड विच पॉइंट एज क्लास ऑफ अ पॉइजन। कर्नाटका गवर्नमेंट ने इस चीज को पॉइजन का दर्जा, जहर का दर्जा दे दिया, ये कौन सी चीज है, देख लीजिए, ओरेलिन, सिट्रिसिन, म्यूस्कैरिन, निकोटीन, आंसर आपको देना है, 4 ऑप्शन हमारे पास है, व्हाट इज द आंसर। आंसर आने शुरू हो गए, बच्चे बोल रहे हैं निकोटीन, तो क्या निकोटीन सही आंसर है, जी हां निकोटीन पूरी तरह से सही आंसर आपने दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं, पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट स्टार्टेड इट फर्स्ट वर्चुअल कोर्ट थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इन विच प्लेस। पानीपत, रोहतक, हिसार, फरीदाबाद, वी हैव 4 ऑप्शन, इसका आंसर क्या हुआ जरा मुझे बताइए, व्हाट इज द आंसर, एंड द राइट आंसर इज फरीदाबाद, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, फरीदाबाद हमारा सही आंसर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द कंट्री विच होस्ट द वर्ल्ड लार्जेस्ट SO2 एमिशन हॉटस्पॉट। तो ये तो कल ही हमने आपको पढ़ाया था, इसका आंसर क्या होगा, व्हाट इज द राइट आंसर, एंड द राइट आंसर इज रशिया, इंडिया होगा इसका आंसर, ये यार क्या है, इंडिया इसका आंसर होगा, वर्ल्ड लार्जेस्ट SO2 इंडिया इसका आंसर है, हाँ रशिया नहीं है, रशिया सेकेंड नंबर पे, इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज अवॉर्डेड विद द JC बोस फेलोशिप।
जेसी बोस फेलोशिप 5 साल का फेलोशिप है, 10 लाख रुपए मिलते हैं, मैंने आपको पढ़ाया था 10 लाख पर एनम मिलते हैं, इसका आंसर क्या होगा? व्हाट इज द आंसर? इसका आंसर होगा के थंगराज, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ऑप्शन में मयंक, देखिए ध्यान से ना, देखिए ध्यान से, क्या इंडिया नहीं है ऑप्शन में? इंडिया कहां बोले इंडिया नहीं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, विच स्टेट वेटलैंड अथॉरिटी हैज अप्रूव इंप्लीमेंटेशन ऑफ एन इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट प्लान ऑफ लेक्स चिल्का एंड अंसुपा, चिल्का और अंसुपा। तो आपको बस ये पता करना है कि चिल्का झील और अंसुपा झील कहां पे आप सही आंसर दे लोगे। तो हमारे पास 4 ऑप्शन है और इसका आंसर क्या होगा? ओडिशा, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली द साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड अनाउंस विच स्कीम विद द सोल ऑब्जेक्टिव ऑफ फंडिंग एक्सप्लोरेशन ऑफ न्यू साइंटिफिक एंड इंजीनियरिंग ब्रेक थ्रू विद ग्लोबल इंपैक्ट। ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं और मैंने कल आपको इसका फुल फॉर्म भी बताया था। आई होप कि आपको ये सारी बातें याद होंगी और आप लोग सही आंसर दोगे। देख लीजिए, हमारे देश में साइंस और इंजीनियरिंग रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए क्या कौन सी स्कीम लॉन्च की गई, आपसे पूछा गया। अरे मयंक चौकसी तुमसे नहीं बेटा, वो जौहरी साहब थे, मयंक जौहरी। हाँ, एंड द राइट आंसर इज सुप्रा, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू अ स्टडी पब्लिश बाय द वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर इन बर्लिन, वर्ल्ड फॉरेस्ट एनिमल पॉपुलेशन ड्रॉप बाई हाउ मच परसेंट सिंस 1970 से फॉरेस्ट एनिमल पॉपुलेशन कितने परसेंट कम हुई है? वी हैव फोर ऑप्शन। व्हाट इज द राइट आंसर? इसका सही आंसर क्या होगा? एंड द राइट आंसर इज 53%, ऑप्शन नंबर डी, 53% इज राइट आंसर, 53% सही आंसर हमारा है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द थर्ड नेशन कप 2019 took place in which country? तीसरा राष्ट्र कप 2019 किस देश में हुआ? ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, सऊदी अरेबिया, सर्बिया। ये याद करिए, मैंने आपको बताया था इंडियन जूनियर बॉक्सिंग चैंपियनशिप की बात हुई थी, इंडिया ने 12 मेडल जीता, 4 गोल्ड 4 सिल्वर 4 ब्रांज, याद करिए। इसका आंसर क्या होगा? सर्बिया, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, सर्बिया इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री वॉन गोल्ड एट द अंडर 12 एशियन टेनिस टीम चैंपियनशिप हेल्ड इन कजाकिस्तान, और इसमें चाइनीज ताइपे को हराकर यह टीम गोल्ड मेडल जीती 2-1 से। मैंने आपको पढ़ाया था यह टीम कौन सी थी? यह टीम इंडिया थी। आपको ध्यान देना है कि अंडर 12 एशियन टेनिस टीम चैंपियनशिप कहां पर हुई थी? कजाकिस्तान में हुई थी। यह पॉइंट आपको ध्यान देना, इंडिया ने जीता। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले हम लोग। विच सिटी टू होस्ट वर्ल्ड यूथ चेस मीट 2019? कल मैंने आपको पढ़ाया था, पूरी इंफॉर्मेशन इसके बारे में दी थी, और ये शहर कौन सा ये आपको पता है शहर? व्हाट इज द आंसर? एंड द राइट आंसर इज मुंबई, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, मुंबई। याद करिए, मैंने आपको सारी चीजें पढ़ा दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु बिकेम द फर्स्ट कंकजन सब्स्टिट्यूट इन अ टेस्ट क्रिकेट हिस्ट्री? तो ये न्यूज मैंने आपको 2-3 दिन पहले दी थी, बट क्वेश्चन मैं आज दे रहा हूं और मेरे ख्याल से आप सब लोग इसका आंसर सही दे दोगे। स्टीव स्मिथ की जगह पर ये आए थे, एशेज का सेकेंड टेस्ट मैच था, और इसका आंसर क्या होगा? एंड द राइट आंसर इज मार्नस, आपके सामने ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली मधुर देवड़ा है वॉज अपॉइंटेड एज प्रेसिडेंट ऑफ विच कंपनी? तो ये भी पॉइंट आपको पढ़ाया गया, कोई बाहर से क्वेश्चन तो नहीं है, इसका आंसर क्या होगा? एंड द राइट आंसर इज पेटीएम, ऑप्शन नंबर डी, पेटीएम, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, पेटीएम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली मोहम्मद जहूर खयाम पास्ड अवे, ही वॉज रिलेटेड टू विच फील्ड? तो कल की न्यूज है, मैं पल दो पल का शायर हूं, याद है ना कुछ मैं आपको बता रहा था। वी हैव 4 ऑप्शन, क्या इसका आंसर होगा? एंड राइट आंसर इज म्यूजिक डायरेक्टर एंड कंपोजर, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, When is सद्भावना दिवस ऑब्जर्व? सद्भावना दिवस की बात करें तो राजीव गांधी जी की का ये जन्मदिन था, और इसका आंसर क्या होगा? अगस्त 20th। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी MOU हैव बीन साइन बिटवीन इंडिया एंड द भूटान इन द प्रेजेंस ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड हिज भूटानीज काउंटर पार्ट लोटे तशेरिंग एट द, ठीक है समझाइए, तो मतलब कि अभी हमारे प्री पीएम भूटान गए थे, तो भूटान और इंडिया के बीच में कितने एग्रीमेंट साइन हुए ये आपसे पूछा गया।
सबको सही आंसर देना है, वी हैव फोर ऑप्शन एंड द राइट आंसर, एंड द राइट आंसर इज, एंड द राइट आंसर इज 9. इंडिया और भूटान के बीच में टोटल 9 एग्रीमेंट साइन हुए, 6 नहीं है जी, 9 है. नेक्स्ट पॉइंट, विच स्टेट गवर्नमेंट अनाउंस द फॉर्मेशन ऑफ लेमरू एलिफेंट रिजर्व. याद करिए मैंने आपको पढ़ाया था पूरा इसके बारे में इंफॉर्मेशन, लेमरू एलिफेंट रिजर्व. ये कौन सा स्टेट गवर्नमेंट बनाएगा ये आपसे पूछा जा रहा है, हरियाणा, बिहार, मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़. व्हाट इज द आंसर? एंड राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, छत्तीसगढ़. छत्तीसगढ़ इज राइट आंसर, छत्तीसगढ़ हमारा सही आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंपनी हैज साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विथ महाराष्ट्र एयरपोर्ट डेवलपमेंट कंपनी फॉर एक्सपेंशन ऑफ इट्स मल्टी मॉडल इंटरनेशनल कार्गो हब एंड एयरपोर्ट एट नागपुर. अच्छा क्वेश्चन है, आंसर दीजिएगा. रिया आप 10 बोल रही है, मैं 9 पढ़ा हूं. अगर मैं फिर से सर्च करूंगा, अगर एक प्लस हुआ होगा तो मैं जरूर आपको बताऊंगा. हालांकि मैं इसलिए रुका बिकॉज पहले 6 हुए थे, फिर एक हुआ, फिर दो हुए. तो कहने का मतलब मे बी शायद डिफेंस आपका 9 में आए, लेकिन फिर से मैं चेक कर लूं अगर आप बोल रहे हैं तो. चलिए इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा एससीएल टेक्नोलॉजी ऑप्शन नंबर बी. एससीएल टेक्नोलॉजी ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, नॉट विप्रो अंशुल. अब कह के तुम लोग खुश भी हो रहे हो हाँ. ऋषिका तिवारी जी बहुत खुश हैं आप. चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करें. नेक्स्ट पॉइंट हमारे सामने, विच यूनिवर्सिटी हैज वॉन द मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी. मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी यूनिवर्सिटी लेवल पे सबसे बड़ा स्पोर्ट्स इवेंट है. व्हाट इज द आंसर? एंड राइट आंसर इज पंजाब यूनिवर्सिटी ऑप्शन नंबर डी, पंजाब यूनिवर्सिटी इज राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली दीपा मलिक हैज बीन चूजन टू गेट द राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, शी इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, और ये तो आपको पता होगा, ये पैरालंपिक है, शॉर्टपुट की ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली दिल्ली एंड डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन हैज अनाउंस टू नेम अ स्टैंड आफ्टर विच प्लेयर. दिल्ली की बात हो रही है तो यार सिंपल सी बात है, दिल्ली की बात होगी तो विराट कोहली का ही नाम सामने आएगा, है ना? तो आंसर इज विराट कोहली ऑप्शन नंबर सी. नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है कुछ, हो गया. तो गाइस फिर से एक बार, अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म हमारा जो है, जो हमारे पेड कोर्स बैचेस हैं, तो कोई भी कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं, लाइक बैंकिंग, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, अदर स्टेट एग्जाम लाइक सीटीईटी, आप कोई भी कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं. बस आपको इस कोड को अप्लाई करना है एम लाइव फॉर डिस्काउंट. तो हमारे पास अगर आप एक साल का हमारा मॉडल लेते हैं जिसकी फीस 5000 रुपीज है तो वो 4500 हो जाएगी, और दो साल का मॉडल भी हमारे पास है, नहीं है 8000 फीस है, मैं आपको बता रहा हूं 7200 उसकी फीस हो जाएगी. ठीक है, तो ये हमारा YouTube चैनल है जिसके बारे में हमेशा हम बात करते हैं, हम आते हैं, आपके सपोर्ट से हम काफी अच्छा कर रहे हैं, हमें और अच्छा करना है, क्योंकि मैंने कहा ना लिमिटेशन कुछ होती ही नहीं, आप कहां तक देखना चाहते हो अपने आपको. ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने किया नहीं है तो, वीडियोस को लाइक करते रहिए, वीडियोस को शेयर करते रहिए, और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना है तो उसकी लिंक भी यहां पर दी गई है, और हिट द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट नोटिफिकेशन. थैंक यू सो मच गाइस, अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं फिर से अभी और बात करते हैं आपसे मई मंथ के 100 MCQs की. थैंक यू सो मच.